हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनी आर्ट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम वॉल डेकोरेट के लिए घर पे ही पेपर क्राफ्ट बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कलरफुल पेपर लिए हैं और इसे मैं एक के ऊपर रख करके एक साथ हार्ट शेप में कट करूंगी। यहाँ पर मैंने दो तरीके से कट किया है। पहला तरीका, मैंने सबको एक साथ रख के फोल्ड करके हाफ हार्ट ड्रॉ करके उसे कट किया है। ये देखिए, आपको इस तरह से कट करना है। दूसरा तरीका, मैंने पूरा हार्ट शेप में ड्रॉ किया है, उसके बाद मैंने कट किया है। ये देखिए इस तरह से। ये हमारा सारा हार्ट शेप में कट हो गया है। अब हम इसे धागे में चिपकाएंगे। आपको इस तरह से चिपकाना है। पहले हम थोड़े से फेविकोल लगाएंगे, उसके बाद फिर हाफ करके चिपकाएंगे और उसके बीच में हम धागे को लगाएंगे और फिर हम हार्ट शेप को बीच से पूरा चिपका देंगे। ये देखिए, जिसे वीडियो में दिख रहा है आपको उस तरह से चिपकाना है। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम इस लाइन को पूरा करेंगे। यहाँ पर मैंने कट किए तो कुछ बड़े कुछ छोटे हार्ट कटे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे फिर भी चिपका करके अच्छा सा क्राफ्ट बना सकते हैं। मैंने इसी तरह से बनाया है तो ये फिर भी अच्छा ही लग रहा है। ऊपर पर मैंने धागा छोड़ दिया था और उसे मैं बांध करके हैंग करने के लिए बना रही हूँ। इस तरह से मैंने नोट बांध दिया है। लड़ियाँ बनाई हैं, आप चाहे तो ज़्यादा बना सकते हैं, आप चाहे तो दो ही रख सकते हैं। अब हम दूसरा क्राफ्ट बनाते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेन पेपर लिया है और यहाँ पर मैं डायमंड शेप का लाइन ड्रॉ करके कट करूँगी इस तरह से। इसमें भी मेरे कुछ बड़े कुछ छोटे शेप में कटे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने बहुत सारे डायमंड शेप में कट कर लिए हैं और अब हम इसे चिपकाएंगे। अब मैं फेविकॉल का यूज कर रही हूँ, चाहे तो ग्लूकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से लाइन बाय लाइन हम लंबी सी एक लाइन बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके फेविकोल यूज़ करनी है, नहीं तो आपका पेपर गंदा हो जाएगा। आप इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं सिंपल, और आप चाहे तो इस तरह से फोल्ड करके एक के ऊपर रख करके फिर फोल्ड करके आप इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। आप इसे इस तरह से फोल्ड करके कहीं पर भी रख सकते हैं, ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा और आप जब चाहें तब आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, फिर वापस रख सकते हैं। अब हम इसे पूरा करेंगे और बनाएंगे अच्छी सी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा और आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। कहीं पर भी रख सकते हैं। ये हमारा फाइनल लुक रेडी है। मैंने इस तरह से इसे डेकोरेट किया है। आप इसे दिवाली में लगा सकते हैं,
किसी का बर्थडे हो तो आप वहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं, आप इसे डोर पर भी लगा सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।